हे गाइस, वेलकम टू ऑल कैसी जीके। तो गाइस, अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इंडियन आर्मी की तैयारी आप कर रही हैं और आप फिजिकल निकाल लेते हैं लेकिन आपसे रिटर्न एग्जामिनेशन पास नहीं होता, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस वजह से आप रिटर्न एग्जामिनेशन में रह जाते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स देखे हैं जो फिज़िकल बहुत आसानी से निकाल लेते हैं इंडियन आर्मी का। देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री या फिर मिलिट्री के जो फिज़िकल टेस्ट होते हैं, सब में जितना हार्ड फिज़िकल इंडियन आर्मी में लिया जाता है उतना हार्ड किसी भी फोर्स में नहीं होता। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फिज़िकल तो निकाल लेते हैं लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में बुरी तरह से फेल हो जाती है और उनकी सिलेक्शन नहीं होती। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी का प्रोसीजर क्या है जॉब लेने का। सबसे पहले तो इनका होता है फिज़िकल, ठीक है। अब अगर आपने इंडियन आर्मी की रैली भर्ती देखी है तो आपको पता होगा, सबसे पहले फिज़िकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है और लास्ट में आपका होता है रिटन एग्ज़ामिनेशन। तो गाइज, रिटन एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, लगभग 90% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है कि फिज़िकल को बड़ी आसानी से कर लेते हैं लेकिन रिटन एग्ज़ामिनेशन में बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयारी करें, किस तरह से आपको पढ़ना होगा, क्या क्या सिलेबस आता है ताकि आप रिटन एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकें। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसका सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनको इसके सिलेबस का भी नहीं पता होता। देखिए, जिनको जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो स्टूडेंट, वो फिज़िकल बड़े आराम से उनसे नहीं निकलता। वो रिटन में बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन फिज़िकल नहीं निकलता। लेकिन मैंने देखा है कि जिनका फिज़िकल अच्छा होता है, फिज़िकल निकाल लेते हैं, उनको रिटन एग्जामिनेशन के बारे में पता ही नहीं होता। उनको कई बार तो सिलेबस के बारे में पता नहीं होता। तो पहले हम सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इस वीडियो में हम जीडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीडी में सिलेबस किस तरह का होता है। तो पहले आपको बता दिए, फिज़िकल होता है, उसके बाद आपका होता है मेडिकल, तो लास्ट में आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या आता है, तीन पार्ट आते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स। ये सिर्फ और सिर्फ जीडी की बात कर रहे हैं हम, जनरल ड्यूटी सोल्जर की बात कर रहे हैं। जनरल नॉलेज आपको आते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, टोटल क्वेश्चन मार्क्स हो गए 30। उसके बाद जनरल साइंस में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स के जो मार्क्स होंगे 40। और मैथ्स में आपको क्वेश्चन आएंगे 15, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स 30 क्वेश्चन, टोटल जो मिला के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस, 50 क्वेश्चन आपको आते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको पता था तो सही है, नहीं पता था तो आपको आज पता चल गया कि एग्ज़ामिनेशन में कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपको 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसमें आपको 32 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपके 100 में से 32 मार्क्स हैं तो आपने पास कर लिया। लेकिन इसकी जो मेरिट लगती है, आपको पता है, मान लीजिए 100 वैकेंसी है, ठीक है, 100 वैकेंसी में से 1000 व्यक्ति ने फॉर्म फिल किया, तो 1000 जो कैंडिडेट हैं वो मेडिकल क्लियर कर गए हैं और उनका अभी रिटन एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, इन 1000 में 100 बंदे रखने हैं इन्होंने, तो टॉपर 100 रखेंगे, जिनके टॉप 100 होंगे वो रखेंगे, ठीक है। तो 32 जो है ये सिर्फ क्वालिफाई है, लेकिन आपकी अगर आपने सिलेक्शन लेनी है, अगर आपको जॉब लेनी चाहते हैं तो गाइज आपको मेरिट में आना पड़ेगा। तो काफ़ी कैंडिडेट मैंने ऐसे देखे हैं जिनको रिटर्न एग्ज़ाम के जो सिलेबस है इसके बारे में नहीं पता। तो गाइज, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्या सिलेबस आपको आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में डीपली क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जीके की बात करते हैं। जीके में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होती हैं उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स मिलते हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं, ज्योग्राफी और ट्रिमोलॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आते हैं जीके में। उसके बाद जीके में क्या क्या पूछा, जीके में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, आर्मी में जो क्वेश्चन आते हैं इतने टफ नहीं होते, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े से अच्छे हैं पढ़ाई में तो आप बड़े आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो 10th बेस पे सिलेबस आता है बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं एनवायरनमेंट पर, ठीक है,
बुक्स पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, डेज पर क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल साइंस की, तो जिन कैंडिडेट की साइंस अच्छी है उनको तो साइंस में अच्छे मार्क्स लेने ही होते हैं। जैसे देखिए ह्यूमन बॉडी पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा विटामिन में क्या पाया जाता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल की टर्म्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंटिफिक टर्म्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, और लास्ट में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके IQ टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में आपको LCM, HCF, उसके बाद स्क्वायर रूट, परसेंटेज, एवरेज रेशियो, प्रोबेशन, पार्टनरशिप। देखिए गाइस, जो भी आपने टेंथ में पढ़ा है वही आपको मैथ में आता है, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है, बड़ी आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इसको पास कर सकते हो। तो गाइस सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। देखिए अगर आपकी फिजिकल, आपको पता कि आपने फिजिकल कर लेना है, तो फिजिकल की श्योरिटी तो आपको है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपका एग्ज़ाम पास नहीं होता, तो गाइस हर रोज़ कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर पढ़िए। 2 घंटे पढ़ेंगे आप तो आपका जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखिए आर्मी की जो मेरिट लगती है ना रिटर्न के, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है, सीधा आपको कॉल लेटर सेंड कर देते हैं तो आपकी जॉब लग जाती है। तो जो मैंने आपको सिलेबस बताया इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह सके। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके नीचे, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको समय से मिल सकें। और इसके बाद आने वाले जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता ही रहूँगा इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग भी, तो मिस मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।